तो क्या हालचाल आप सभी के, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन जर्नीस। तो आ गए हूँ एक और नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको कनाडा जाने से पहले करनी ही करनी है, वरना आपको काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी लिस्ट में फर्स्ट थिंग है वो है एक फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड का क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐप बेस्ड फॉरेक्स कार्ड है, ये है FI का और ये है जुपिटर का। सो इनका क्या है कि ये ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो जाता है और इनका ये बेनिफिट है कि आप अगर इसमें INR में मनी लोड करते हैं तो आप उसको CAD में या फिर किसी और करेंसी में विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग। दूसरे फॉरेक्स कार्ड में क्या होता है कि आपको पहले पैसे कन्वर्ट करवाने पड़ते हैं INR टू CAD में, फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है एंड इसमें इसकी फॉरेक्स मार्केट फीस भी ज़ीरो है। तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है ये आपको बता देता हूँ। इसका पहले तो ये बेनिफिट हो सकता है कि आप इसमें अपनी मनी लेके जा सकते हैं कनाडा तक। सो वहाँ पे आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं या इसको स्वैप कर सकते हैं वहाँ पे किसी भी स्टोर पे, एंड ऑलमोस्ट सभी जगहों पे चल जाएगा, कहीं कहीं नहीं चलेगा। तो अपना कैनेडियन डेबिट कार्ड यूज़ कर लीजिएगा। सो और इसका ये है, अगर आपको एमरजेंसी में घर से फंड्स मंगाने पड़ गए तो आप इसके थ्रू मंगा सकते हैं। अगर दूसरे फॉरेक्स कार्ड की हम बात करें तो उसमें काफ़ी झंझट है, अपने को पहले जाके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके फिर उसको उनको फॉर्म फिल करके देना पड़ता है, फिर वो आपके पैसे कन्वर्ट करते हैं INR टू किसी और करेंसी में। बट इसमें क्या है कि आप अगर सीधा इंडिया से अपने जो ये FI का अकाउंट होता है या फिर जुपिटर का अकाउंट होता है, ये बेसिकली फेडरल बैंक से होते हैं ये, सो आप इसमें सीधा ही आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करके आपको आपके कार्ड में जब पैसे आ जाए तो आप इसको इजीली कनाडा में विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है एंड ये ज़ीरो बैलेंस पे खुल जाते हैं, हमको कोई भी इनिशियल चार्ज नहीं देना है। तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप उस लिंक के थ्रू खोल लीजिएगा या फिर आप सीधा FI की या जुपिटर की ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड ये खोलना काफ़ी इजी है, इसमें सिर्फ अपने को एक KYC करनी होती है अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड डाल के। सो ये काफ़ी इजी है, या फिर आप इसका कोई भी ट्यूटोरियल YouTube पे देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड थिंग की तरफ। सेकंड थिंग है वो है डॉक्यूमेंट्स एंड जेरोक्स। सो डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपने इकट्ठे करने ही है, एक जगह पर लगाने ही है, उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना है। एंड जो आपको ये काम करना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जेरोक्स भी करवा लेनी है। सो जेरोक्स आप एक काम कीजिए कि आप कलर फोटोकॉपी उसकी 2 से 3 करवा लीजिए और ब्लैक एंड वाइट उसकी 4 से 5 कॉपीज़ करा लीजिए, क्योंकि कनाडा में फ़ोटोकॉपी काफ़ी महंगी है। अनटिल अनलेस कि आप एक लाइब्रेरी कार्ड वगैरह इशू नहीं करवा लेते तब तक प्रिंटिंग काफ़ी आपको महंगी पड़ेगी। एक प्रिंट के आपको लमसम मैं बता देता हूँ $0.25 टू $0.75 तक लग जाते हैं, तो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। एंड यहाँ पे तो अपनी 1 to 2 रुपीस के अंदर फोटोकॉपी हो जाती है, तो आप प्लीज़ की जेरोक्स भी निकलवा लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे पूरी वीडियो बनाऊं, मैंने एक जो अपने को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा के लिए, उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाई रखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने को कनाडा कैरी करने हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मैं बना दूंगा। सेकंड पॉइंट था डॉक्यूमेंट्स एंड जेरोक्स। सो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो जो थर्ड पॉइंट है वो होगा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। कुछ जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं या फिर अपने मेल अकाउंट होते हैं अपने, उन्हें उस पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखी होती है। इन द सेंस उसको ऐसे कह सकते हैं, जब अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP जाता है, सो वो आपको एंटर करना पड़ता है, तभी आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने किसी भी अकाउंट में इनेबल कर रखी है तो उसको डिसेबल कर दीजिए इंडिया में ही, क्योंकि बाहर जाके काफ़ी दिक्कत होने वाली है इस चीज़ की। एंड जो भी आपके पासवर्ड्स हैं वो आपकी सेफली किसी जगह पर लिख लीजिए, आपके नेट बैंकिंग पासवर्ड्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पासवर्ड्स, आपके जीमेल पासवर्ड्स। सो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, कहीं भी ऑनलाइन सेव मत करिएगा, कुछ भी डाटा लीकेज के काफ़ी चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ आप अपने पासवर्ड को ऑफलाइन में नोट कर लीजिएगा। ये था थर्ड पॉइंट, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको ऑफ कर देना है। सो अब बारी है अपने फोर्थ पॉइंट की। पॉइंट है वो है अपने इंडियन सिम के रिगार्डिंग। सो इंडियन सिम आपके सबके पास एक नंबर होगा जो आपने वीज़ा अप्लाई करते टाइम दिया होगा या आपने कॉलेज में दिया होगा अपना इंडिया का नंबर। सो वो नंबर का आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उसको इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसको सेफली छोड़ के जाएँ, ऐसे मत करें उसको सिम को तोड़ दें या फिर क्योंकि
इसके पीछे भी रीजंस है, जैसे कि मैं सैनिका कॉलेज में हूँ एंड मेरा जो भी कॉलेज का अकाउंट है जब मैं उसमें लॉगिन करता हूँ तो वो मेरे से OTP मांगता है, सो मेरे को OTP एंटर करके ही उस अकाउंट का एक्सेस मिलता है। सो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ही होते हैं कॉलेजेस, सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपने जब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन करेंगे कॉलेज वाले में तो आपको एक OTP की ज़रूरत होगी। सो वो OTP आएगा आपके इंडिया वाले नंबर पे, आपको घर पे छोड़ के जाना है अपना नंबर, तो आप अपने नंबर को एक कीपैड फ़ोन में डाल दीजिए एंड कीपैड फ़ोन भी सस्ता सा आ जाएगा, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं अच्छा मॉडल। एंड अगर आप अपना नंबर कैनेडा तक लेके जाना चाहते हैं तो उसका लिए भी मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। सो इसका ये सोल्यूशन है कि आप अपने नंबर को कहीं जियो BSNL वगैरह इनमें मत पोर्ट करवाइए, आप अपने नंबर को एयरटेल में पोर्ट करवा लीजिए। और ये बात का ध्यान रखें कि जो भी आप नंबर पोर्ट कराएं वो आपके मदर या फादर या किसी रिलेटिव के नाम पे हो जो इंडिया है इस टाइम, क्योंकि इन केस अगर आपकी सिम वहाँ कैनेडा में बंद हो जाती है तो इंडिया में आराम से स्वैप होकर निकल जाएगी। इन केस अगर वो आपके नाम पे होगी तो आप वो नहीं निकलवा पाएंगे, इंडिया आपको आना पड़ेगा तभी वो निकलेगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड फिर जब आप एयरटेल में पोर्ट करवा लेंगे तो आप उसमें कोई भी अनलिमिटेड रिचार्ज कर लीजिए, या 179 मंथ से स्टार्ट हो जाता है एंड आप 3 मंथ वाला 666 वगैरह का कर लीजिए, सो आपकी वो सिम कनाडा चल जाएगी। हाँ, कॉलिंग नहीं होगी बट आपके जो OTPs हैं वो आ जाएंगे, आपका गूगल पे वगैरह फ़ोन पे सब वर्क करेगा। सो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप अपनी सिम यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं या फिर साल लेके जाना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा उस सिम को मत तोड़िए, उसको तोड़ना मत, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है इस टाइम आपके लिए एंड काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स भी आपके लिंक होंगे उसके साथ, तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। आवर लास्ट 5th पॉइंट, आपको अराइव कैन फिल करनी है। सो अराइव कैन क्या है? अराइव कैन एक ऐप है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाई है एंड उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है कि आप कब आ रहे हैं, आपकी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ है, मतलब आपका स्टॉपेज कहाँ है, यही सब चीज़ें भरनी होती हैं उसके अंदर। एंड ये आप उन्होंने तो कहा है कि ये 72 आवर्स प्रायर इसको फिल करना होता है। सो आप इसको पहले भी फिल कर सकते हैं अराइव कैन नाम से, आपको ऐप स्टोर पर या फिर आपके एंड्रॉयड में प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आपको सेफली उसकी 2-3 कॉपीज़ करके अपने साथ लेके जानी है एंड इमिग्रेशन में वो स्लिप आपसे मांग सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अराइव कैन के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, सो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं बना दूँगा अराइव कैन के ऊपर भी। पॉइंट्स कवर करें, 5 थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर गोइंग टू कैनेडा। सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। कोई भी क्वेरी हो बेझिझक वहाँ पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पे या फिर किसी और वीडियो पे भी। इतना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, आता रहूँगा नई से नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।